करते हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग हो सकती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो अमेरिकी मार्केट है उससे तो देखिए कई गुना हमारा बाजार बहुत अच्छा है। आप हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखिए जो निफ्टी हमारा इतना क्लोज हुआ है वो आपका 25,790 का देखिए हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, उसके पहले देखिए हुआ क्या था, उसके पहले अगर आप देखो तो उसके पहले देखिए ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपका एक साइडवेज आपका काम करता हुआ दिखाई दिया निफ्टी। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट जो हमको देखने को मिला और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसके पहले अगर आप वॉल्यूम पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको काफी देखिए वॉल्यूम में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम को पूरा देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम क्या दिखाई देगा, वॉल्यूम के अंदर भी देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब ये चीजें कैसे हमको एक जगह देखनी होगी, पॉजिटिव कैसे है वजन वो हम बात करेंगे। अब देखिए आपका जो 25,790 इसके ऊपर एक प्राइस आता है जो कि आपका 26,000। ठीक है, अब अभी अगर आपने देखा होगा तो FIS जो हमारे FIS का डेटा है वो ऑलमोस्ट देखिए 14,000 करोड़ का हमको अभी बाइंग होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो बाइंग हुआ है उसकी वैल्यू इस कैंडिडेट के अंदर आ चुकी है ना तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए बाइंग एक दिन पहले होता है, एक दिन पहले होने के बाद उसके बाद जो डेटा होता है वो डेटा हमको यहाँ पे FIS का दिखाई देता है। ठीक है, FIS हो या आपके DIS। अब हमको ये समझना है क्या हमारी जो 25,790 वाली जो प्राइस है ये प्राइस ओवर वैल्यू है या अभी भी हम क्रैश बाइंग कर सकते हैं, या अगर नीचे आता है तो हमारा सपोर्ट कहाँ हो सकता है उस पर आप एक ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो रोल ओवर देखिए आप यहाँ पे अपना समझते हैं। आपको याद होगा कि मैं आपको लगातार वीडियो बना के बता रहा था, लगातार मैं आपको ये भी चीज़ कह रहा था कि हमारा बाजार मजबूत है, बीच बीच में सेलिंग देखने को मिलेगी लेकिन रोल ओवर हमको तेजी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप देखो तो मैंने FIS पर ज़्यादातर फोकस किया था, मैंने आपको जो भी बोला था कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। 6 दिन पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बात बोली थी, ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट वहाँ पर देखिए साफ साफ मिलता है, बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैंने FIS का देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि वो अच्छा बाइक करते हुए दिखाई देगा। 12 दिन पहले भी मैंने आपको बोला था, फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 1,000 करोड़ रुपये आपको तेजी आ सकती है, बड़ा ब्रेकआउट। यानी हम जो फोकस कर रहे थे वो हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर फोकस करते थे कि ब्रेकआउट हो सकते हैं क्योंकि FIS और DIS का जो डेटा है वो डेटा अच्छा है। अब यहाँ पे आप समझिए इस डेटा को हम अच्छा क्यों कह रहे थे या हमको अच्छा क्यों लग रहा था, इसको अपन समझ। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो डेटा है FIS का, ठीक है, एक सेकेंड देखिए, जो FIS का जो डेटा है ना, इस डेटा को आप समझिए 20 सितंबर को क्या हुआ था, 20 सितंबर को देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 24,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई। उसके पहले 19 सितंबर को आपको 2,540 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई, फिर आपका 1,050 करोड़ की बाइंग हुआ था, फिर आपको देखिए यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 480 करोड़ के आसपास की बाइंग, उसके फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1,635 करोड़ के आसपास की सेलिंग, फिर आपका 2,360 करोड़ के आसपास की बाइंग और फिर 7,690 करोड़ के आसपास की बाइंग। अभी एक देखिए अभी मैंने आपको देखा कि कुछ लोग कह भी रहे थे कि आपका 4,427 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग हुई है DIS की तरफ से, वो सेलिंग के वजह से देखिए मार्केट यहाँ पे निकल सकता है, यानी रिवर्सल हो सकता है। अब जिस सेलिंग हुआ क्यों, क्योंकि बाजार तो ऑल टाइम हाई पे है और FIS तो वही DIS तो हमारे इधर के ना लोकल इन्वेस्टर, इन्होंने क्यों सेलिंग किया जब तो बाज़ार अच्छा खासा है फिर सेलिंग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो DIS को हमने बार बार बोला, DIS के बार पास बार बार ये भी मौका था कि वो नीचे की साइड बाइंग कर सकते थे लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने कहाँ पे बाइंग किया जब बाजार ऑल टाइम हाई पे आया। लेकिन अभी जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो अगर आप देखो तो वो सपोर्ट पे बाइंग कर रहे हैं या ऐसे समय पे बाइंग करते हैं जब बाजार में सेलिंग आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि
इसमें एक और डेटा होता है जिसको हम एफेंडो का डेटा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एफेंडो के डेटा को अपन समझते हैं, काफी ज्यादा ऐड आ रहा है इस पे भाई, नहीं देखना है, थोड़ा एफेंडो का डेटा दिखा दो, चलो छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि जे वाला जो चार्ट है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% की जो सेलिंग थी या 1% से ज़्यादा की सेलिंग थी वो 6 सितंबर को देखने को मिला था, और 6 सितंबर के आसपास देखें यहाँ पे सेलिंग का जो डेटा था वो भी नेगेटिव आया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कभी भी 1% के आसपास की हमको सेलिंग नहीं देखने वाली, बल्कि देखें 12 सितंबर को हमको ऑलमोस्ट 2% के आसपास की बाइंग देखने को मिली थी, और 20 सितंबर को भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए 1.5% के आसपास की हमको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। यानी गिनने के लिए हम कम गिरते हैं और ऊपर जाने के लिए हम ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, ये मैंने आपको दो चार्ट लगा के रखे हैं, ये वाला आपका 1 आवर्स का है और ये वाला आपका 30 मिनट का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, जे 30 मिनट के चार्ट पे जे वाला जो कैंडल है, देखिए जे इतना बड़ा देखिए एक कैंडल बना है, और इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेलिंग का कैंडल है, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे पूरा सेलिंग का है। लेकिन इसी कैंडल को अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए आपको 1 आवर्स में, तो 1 आवर्स में क्या है, जो नीचे गया जरूर था लेकिन नीचे जाने के बाद ये रिकवर हो गया था, यानी ये आपका पूरा रिकवर हुआ था, और ये रिकवर जो हुआ है उसमें ये वाला कैंडल था, देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कैंडल था जो रिकवर हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये वाले 1 आवर्स के चार्ट में, यहाँ पे भी सेम ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती है, चार्ट अच्छा है, चार्ट को हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको देखिए एक चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बॉस ऊपर की साइड आपका 24,000 का क्या है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंट पॉइंट है, तो अगर ये 24,000 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप की बात करें, गैप अप ओपन हो जाता है, 24,000 को ब्रेकआउट करता है, 24,100 के आसपास बनता है, तो 24,100 के आसपास से हमको एक सेलिंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाली भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक सेलिंग करने का एक मौका मिल सकता है जो कि 24,100, ठीक है, इस वाली प्राइस से अगर ये गैप अप कंडीशन में जाता है या आपका फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की साइड जाता है तो उस जगह हम सेलिंग करेंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 26,100, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस है 26,000 और 26,100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझते हैं तो यहाँ पे देखिए आप समझो, फ्लैट ओपनिंग कर देता है, फ्लैट ओपनिंग किया तो फ्लैट ओपनिंग में आप ये समझ सकते हो कि जो भी मूव देखने को मिलेगा वो आपका देखें 9:15 से लेके आपका ऑलमोस्ट 11:15 यहाँ तक आपका मूव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज हो सकता है, समय बिता सकता है, टाइम पास कर सकता है, छोटे छोटे मूव देगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है। तो अगर जो भी ट्रेड करना है या तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए 9:15 से लेकर 11:15 तक, ठीक है, या फिर आप वेट कीजिए इसके अंदर 2:15 तक, 2:15 के बाद फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, और जिस साइड मूव देखने को मिलेगा अपसाइड तो अपसाइड ट्रेड लेना है, डाउनसाइड तो डाउनसाइड ट्रेड लेना है, ठीक है। वो कंडीशन उस बेसिस पे होगी कि बाजार कहाँ पे है, ठीक है, अगर बाजार बहुत ज़्यादा टॉप पे है तो एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या बाजार बॉटम पे है तो एक बाइंग आ सकती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि सपोर्ट पे होता है अचानक एक बाइंग आ जाती है, यहाँ पे भी आपने देखा होगा अचानक एक बाइंग आ जाती है, ठीक है, ऐसा होता है टॉप बना देता है फिर सेलिंग आ जाती है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है कल के मार्केट में, ठीक है। रेजिस्टेंस की मैंने बात कर ली, अब यहाँ पर सपोर्ट क्या है, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट को समझिए। इस पहले अभी हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, 25,820, ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो जो 1 आवर्स वाली कैंडल जो वही कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग आया था और सेलिंग आने के बाद ठीक ऊपर की साइड बाइंग आ गई थी, तो हमको सपोर्ट इस लाइन में मिलेगा, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर आपका इस जगह भी सपोर्ट लिया,
तो आपका 25,500 पे हमको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर जब किसी बजट के नीचे आता है तो यहाँ पे हम क्या फाइन करके चल सकते हैं, जिसमें फिर आपको 25,550, 25,600, फिर आपका 25,650 और फिर आपका 25,700, ठीक है। इतना हम इसके अंदर अपसाइड जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर ये नीचे की साइड आता भी है, ठीक है। बाकी फ्लैट ओपनिंग पे थोड़ा साइडवेज मार्केट रह सकता है, जो भी टेरेटेन है हम 9:15 तक ले लेंगे और 11:15 तक हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का कल मार्केट आएगा, है बुलिश ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉटम में हम बाइंग करके चल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।